लोक लोक प्रति भिन्न विधाता भिन्न विष्णु स्यु मनु त्रिसित्राता नर गंधर्व भूत बेताला किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा भिन्न भिन्न विष्णु स्यु मनु दिक्पाल मनुष्य गंधर्व भूत बैताल किन्नर राक्षस पशु पंछी सर्प देव दनुज गण नाना जाति सकल जीव तह आन ही भाति महिसर सागर सर गिरी नाना सब पर पंच तह आन ही आना। तथा नाना जात के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरे ही दूसरी प्रकार की थी। अंडे कोश प्रति प्रति निज रूपा दाख्यो जिनसी अनेक अनुपा अवधिपुरी प्रति भुवन निनारी सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ का सल्या सुनिता था विविध रूप भरिता दिक भ्राता प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखो बाल विनोदी अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मेहदी की सब अति विचित्र हरि जान अगणित भुवन फिरे उ प्रभु राम न देखुआन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर भुवन भुवन देखत फिरऊ प्रेरित मोह समीर। सर्वत वही शिशुपन वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा में भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमति मोहि ब्रह्मांड अनेका भीते मनु कल्प सत्येका फिरत फिरत निजी आश्रम आयु तापुनि रहे कछु काल गयाओ। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निजी प्रभु जन्म अवधि सुनि पायो निर्भर प्रेम हरि से उठ धायो देखो जन्म महोत्सव जाई जय विधि प्रथम कहाँ मैं गाई। फिर सब अपने प्रभु को अवधपुरी में जन्म सुन पाया तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उधर देखो जगिनाना देखत बनई न जाय बखाना तापुनि देखो राम सुजाना माया प्रतिकृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया की स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करो विचार भी हो बहोरी बहोरी मोह कलिल व्यापिति मति मोरी उभय गरिमा मैं सब देखा भयो भ्रमिति मनि मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त थी यह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपालु विकल मोहे बीसे तब रघुवीर बिहस्त ही मुख बाहर आयो सुनिमति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपाल श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया।
सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम। कोटि भाति समझावो मनु ना लई विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था पर वह शांति नहीं पाता था।